हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड, राइट। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि संडे को मीट करूंगा भास्कर को, बट संडे वो मीट नहीं कर पाया, वो कहीं पे चला गया था। तो आज मंडे है, तो आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, राइट। सबका टाइम सेम रहता है 6:30, क्योंकि इसका भी जॉब है एक जगह, तो वो जॉब कंप्लीट करने के बाद ही बता रहा था कि मीट करेगा, तो इसीलिए 6:30 के बाद उसमें मीट करने जा रहा हूँ। अभी जाऊँगा नियाज के वहाँ जाके फिर हम मीट करेंगे भास्कर से, राइट, क्योंकि भास्कर भी कहीं पे जाएगा और हम फिर वही घूम फिर के फिर मैं घर को आऊँगा, राइट। तो फिर चलते हैं। अरे पुलिस नहीं है, कुछ नहीं है, हलवा है क्या? पहले ATM से पैसे निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। दुनिया की नजरों में, तो गाइस पैसे निकाल रहा था तो टाइम लग गया थोड़ा सा। स्टेट बैंक नहीं होता तो फिर इतना मुश्किल होता। कार्ड पेमेंट भी कर सकता हूँ, बट मैं कार्ड पेमेंट नहीं करूँगा, मैं कैश पेमेंट ही करूँगा, इसलिए मैं सोचा कि स्टेट बैंक से निकाल लेता हूँ। इवनिंग का टाइम ही निकलने में मज़ा आता है, क्योंकि दिन भर धूल, दिन भर गर्मी रहता है ना, तो मज़ा नहीं आता। शाम को निकलो तो मज़े से आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, बट दोपहर के टाइम बहुत धूप रहता है यार, इसलिए निकलने में मज़ा नहीं आता। तो चलिए फिर सीधा नियाज के उधर ही चलते हैं। क्या चलाता है भाई, क्या चलाता है, गड्डी चला रहा है कि घोड़ा चला रहा है? ट्रैफिक देख के हैरान हूँ मैं नौगांव का। ऐसा लगता है कि कोई मेट्रो सिटी है, क्यों? एक तो छोटा जगह, ऊपर से इतने लोग, होगा ही, ऐसा होना ही है। ऐसे छोटे छोटे शहर में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। तो फिर चलो नियाज के घर। अभी भास्कर आने के बाद फिर उसके साथ कहीं निकल के भी जाना है, तो उसका भी इतना धूल है ना नौगांव में भाई साहब, बारिश होने के बाद जो सैंड सूख जाता है ना, फिर वो गाड़ियों के आने जाने से उड़ता रहता है, तो इसीलिए अंदर बहुत धूल इसका। उन सभी को देखिए, अगर आप पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और इस वीडियो को एक लाइक दे देना, राइट। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।